Dígame, ¿podéis elegir Rat Kudwena Choriwiya? Hay Monkey, oye, Ardi Ledet, Ricopobus, que Team Milindona Bochoriwiya, Elena. दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइज लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जो है ना साइमन के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ वो वीडियो देखो यार। साइमन के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमने जो है ना लास्ट एपिसोड में उससे गाड़ियाँ परचेज की थी और साथ में जो पैसे उसको गाड़ियाँ के दे थे वही हम लोगों ने उससे रात को लूट लिए थे। तो जिसने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो भी एपिसोड देख लेना। तो यार रात को मैं जो है ना पैसे लूटने के बाद घर पैसे रख के तो पार्टी करने के लिए जो है ना मैं इधर आ गया था बीच पे। तो रात को यार मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं भाई साहब गाड़ी की इतनी ज़्यादा ड्रिफ्टिंग कराई कि भाई साहब इसके इंजन से धुआं निकलने लगा। पर अब ये जो है ना चल नहीं रही, मैं इधर जो है ना टेंशन में हो कि यार अब जाना कैसे है, ये गाड़ी भी छोड़ के नहीं जानी, इधर पैदल भी घर नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा दूर है घर हमारा। तो रात जो है ना आपके भाई ने इस जगह पर गुजारी है, ये झूले वगैरह लगे हुए थे, ये काफ़ी मस्त जगह है यार, इधर समुंदर का नज़ारा भी और काफ़ी ज़्यादा इधर जो है ना लोग होते हैं, रात को पार्टी शार्टी करते हैं भाई साहब। तो आपका भाई भी इधर जो है ना रात गुजारने के लिए आ गया क्योंकि घर में तो अकेला होता है यार, घर क्या करना है, इतना ज़्यादा जो है ना स्कैम किया था तो भाई साहब फिर पार्टी तो बनती थी। अब यार ये गाड़ी का मुझे जो है ना समझ नहीं लग रही इसका करूँ क्या यार, मैं खुद देखता हूँ एक बार दोबारा से, शायद चल जाए कोई चीज़ जो है ना इसके अंदर से, मेरे ख्याल से ना कोई लीक हो गई है तो इस वजह से ये चल नहीं रही है। क्योंकि रात को आपके भाई ने भाई साहब इधर बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग की है, इतना मतलब इंजॉय कर रहा था कि खुशी से इस तरह कर रहा था कि भाई साहब क्या बताऊँ आपको। तो अभी हम लोग जो है ना देखते हैं कि ये चल जाती है कि नहीं, एक बार दोबारा जो है ना मैं इसको ट्राई करता हूँ कि चलती है कि नहीं ये गाड़ी हमारी। मैंने काफ़ी देर तक किसके साथ पंगे लिए हैं कि यार ये चल जाए, और भाई साहब फाइनली ये गाड़ी तो चल गई है यार, चलो शुक्र है भाई। अब मैं चलता हूँ घर क्योंकि मैंने साइमन को भी टाइम दिया हुआ था कि यार मुझे जो है ना गाड़ियाँ दे देना, तो शायद साइमन भी आ रहा हो हमारे घर की तरफ, तो मुझे जो है ना अभी घर जाना पड़ेगा जल्दी से। साइमन बेचारा तो यार रात का रो रहा होगा कि भाई उसके साथ तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो गया था भाई साहब, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने उसके साथ बहुत बड़ा हाथ किया भाई, उसके पैसे भी लूट लिए, उसकी गाड़ियाँ भी लूट ली हम लोगों ने यार। अभी हम लोग जो है ना चलते हैं जल्दी से घर। मेरे ख्याल से ना साइमन ने पुलिस को तो लाजमी बताया होगा भाई साहब, उसकी इतने लाखों का नुकसान हो गया, 3 मिलियन का नुकसान हुआ है भाई साहब, वो ऐसे थोड़ा बैठने वाला सिटी में जो है ना पुलिस तो ढूंढ रही होगी बंदों को जो है ना जगह जगह कि किसने उसके साथ इस तरह का हाथ किया भाई। अभी तो हम लोग चलते हैं घर जल्दी से, लोग भी आना स्टार्ट हो गया भाई साहब, तो सुबह का टाइम फुल हो गया, सूरज भी फुल ऊपर तक आ गया, ये चेक करो, अरे भाई सूरज ही नहीं नज़र आ रहा। चलो चलते हैं अभी जल्दी से घर, उधर जाके जो है ना चेक करते हैं कि साइमन आया कि नहीं। बाकी हम लोग भी नहाते हैं, तैयार शहर होते हैं, फिर गाड़ी ले के भाई साहब हम लोग निकलेंगे घूमने शूमने के लिए। तो आज यार मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली है इधर पार्टी के दौरान भाई साहब, इधर ना पार्टी करने आपको पता है कि हर तरह का बंदा आता है, ड्रग डीलर्स भी आते हैं और वैसे भी जो वेपन डीलर्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है ना इधर आके डीलिंग शीलिंग करते हैं। तो आपका भाई जो है ना बहाने बहाने जो है ना उनको इस तरह फील करवा रहा था कि भाई मैं सुन नहीं रहा, तो आपका भाई जो है ना उनके पास हो के वो चीज़ें सुन मतलब बातें उनकी सुन रहा था भाई साहब। मुझे पता चला कि सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा डोन है भाई साहब कि वो इस तरह की सारी डीलिंग शीलिंग करता है यार। तो मैं सोचा यार क्यों ना उससे मिला जाए, मतलब वो है कौन है, किस मतलब किस तरह का बंदा है यार, मतलब हम भी उससे कोई डील शील करें यार, हमें भी कोई अपने बिजनेस में वो पार्टनर कर ले यार, हमारा भी शेयर रख ले अपने बिजनेस के अंदर। तो यार ये बड़े लोग जो होते हैं ना इनकी लोकेशनें मतलब एक नहीं होती है, ये मतलब मुख्तलिफ जगह पर रहते हैं। तो हम लोग जो है ना इस तरह करेंगे कि रात को दोबारा से जाएंगे उधर पार्टी वाली जगह पे, और उधर ना ये लोग सारे इकट्ठे होते हैं तो उनसे पूछेंगे कि यार बहाने बहाने हम लोग भी उनसे ना कोई डील वगैरह करेंगे, कोई जो है ना वेपन वगैरह की या ड्रग वगैरह की। तो उसी के दौरान जो है ना हम लोग उससे ट्राई करेंगे पूछने की। और ये क्या भाई साहब घर के बाहर पुलिस लगी है, ये क्या माजरा भाई, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है हमारे घर के बाहर, कहीं उनको शक तो नहीं पड़ गया हमारे घर। मैं तो पैसे भी, ओ भाई मैं तो पैसे भी जो है ना घर छोड़ गया था यार, मिल ना जाए उनको पैसे, पुलिस तो इधर आई हुई है काफ़ी ज़्यादा, जाके देखता हूँ अंदर क्या माजरा भाई। मैंने पैसे तो बहुत गंदी जगह छुपाए हुए हैं, मैं मुझे लगता है इनको नहीं मिलेंगे भाई,
घर के अंदर तो मैंने छुपाए नहीं है पैसे भाई, मुझे पता है, क्योंकि पुलिस का ज़्यादातर जो है ना टारगेट गाड़ी होता है, घर के अंदर रूम शूम होते हैं, तो मैं उधर तो पैसे छुपाए नहीं है भाई। देखते हैं भाई, दो कॉप्स इधर खड़े हैं, एक इधर इनका गार्ड खड़ा है भाई, तो अब एक गाड़ी इनकी बाहर भी खड़ी है, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है भाई अंदर। Yeah, it was a tough day at the office. Thanks for ओ asking. भाई, इधर मीडिया भी आया हुआ है, ये क्या सीन है भाई, ये हमारे घर की क्यों पिक्चर्स वगैरह ले रही हो। चलो बात करते हैं पुलिस वालों से। हाय सर, Yes, who are you? आई एम माइकल एंड दिस इज माय हाउस। जी, हमें पता चला कि रात को जो है ना चोरी हुई है. हाय मंकी, हाँ ये है आर डीलर है, वेरी गुड. तो उसके 3 मिलियन जो ना वो चोरी हुए हैं. तो हमें पता चला कि इस मोहल्ले में एक बंदा न्यू आया है, वो काफी अचानक से अमीर हुआ है. तो इस वजह से हम लोग जो ना इधर चेक करने आए, आपके घर की छानबीन करने आए. अरे मतलब अमीर हूँ तो इसका मतलब अब आप किसी के घर में भी घुस जाएंगे, मैं बाहर से भी पैसा कमा के ला सकता हूँ सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने अपने क्लियरेंस करनी होती है, इस वजह से हम लोग जो है ना आपके घर की तलाशी लेने आए हैं. जी, आप तलाशी ले ले आराम से, अगर आपको इस तरह का कोई शक लगता है तो सर मैं जो है ना हाजिर हूँ, लेकिन मैं इस तरह का कोई बंदा नहीं हूँ कि जो चोरी वगैरह करूँ, हलाल के पैसे कमाता हूँ और हलाल के पैसे से जो है ना अपना घर बनाया हुआ है। चलो सही है, फिर हम लोग जो है ना दोबारा एक बार फिर जो है ना तुम्हारे घर चक्कर लगाएंगे, क्योंकि तुम एक तो रहते अकेले हो, दूसरे नंबर पे जो है ना तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, नंबर गार्ड है तुम्हारे पास, सब कहाँ से इतना है. हम लोग इसकी पूरी जो है ना छानबीन करेंगे तुमसे. तो अभी के लिए तो हम लोग चलते हैं इधर से. चलो ऑफिसर, इधर से हम लोग चलते हैं, दोबारा जो है ना हम लोग इधर रेड करेंगे. चाप बास हम इस तरह करो ना कि घर पे नजर रखना, ये अचानक से इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गए, ये मतलब इतना ज्यादा पैसा इसके पास कैसे आया, गाड़ियां इसके घर के बाहर खड़ी है, और ये अकेला बंद है, इस तरह कैसे इतना पैसा कमा सकता है. तो आपने जो ना इसके घर का ख्याल रखना, इधर चक्कर वगैरह लगाते रहना इसके घर के बाहर. चलो ओके सर. आ जाओ, चलते हैं इधर से. ऑफिसर आ जाओ, सारे गाड़ी वगैरह लेकिन अपने इधर से आ जाओ. अरे यार, मैं बाल बाल बचाऊं भाई साहब, इधर तो छापा पड़ गया हुआ था घर के अंदर जो है ना, और वो देखो हमारी जो है ना नौकरानी कितने मजे से जो है ना इधर काम शाम कर रही है, उसको पता ही नहीं घर में पुलिस आई है। तुम्हें पता ही नहीं है घर में पुलिस आई है, और तुम इधर जो है ना मजे से अपने बर्तन शर्तन धो रही हो, मुझे कॉल तो करो कि घर में पुलिस आई है। वो भी जो है ना मैं जल्दी से तैयार शर्ट होता हूँ, साइमन ने भी आना है। यार ये तो अब गलत हो गया सीन, पुलिस वालों को पता चल गया कि भाई मेरे मेरे पास जो है ना पैसे शैसे अचानक से आए हैं इतने ज्यादा, और वाकई में अचानक से आए हैं भाई साहब, अकेले बंदे के पास इतना पैसा, और मैंने घर शर भी ले लिया। तो यार साइमन नहीं आया अभी तक, तो तब तक हम लोग जो है ना इधर से इसको कह के ना मेड को तो कुछ खा पी लेते हैं, तब तक साइमन भी आ जाएगा यार हमारे पास। तो चलो यार चलते हैं माइकल को गाड़ियां उसकी देने के लिए. यार मैं पहले ट्रक वगैरह देख लूँ कि ट्रक जो है ना पूरा रेडी है कि नहीं. हाँ, फुल डैडी शैडी हो गए गाड़ियाँ, बस इसमें लगाते हैं और माइकल के घर जो है ना छोड़ के आते हैं जल्दी से. पहले मैं स्टैंड अंदर करते हैं भाई साहब, ये ज्यादा महंगी गाड़ी है, ये भी ज्यादा महंगी पीछे वाली है यार. कोई नहीं, पहले इसको जो है ना हम लोग पार कर लेते हैं आराम से, राश वगैरह ना लग जाए, क्योंकि फिर उसने मुझ पे पैसा आके बहुत ज्यादा नुकसान हो गया भाई साहब. 3 मिलियन का मुझे जो है ना नुकसान हो चुका हुआ है. गाड़ी पे जो है ना जल्दी से अंदर पार करता हूँ. चलो तो यार गाड़ियां तो पार को भी, आप जल्दी से चलते हैं माइकल के घर लेके गाड़ियों को. भाई साहब ट्रक भी चेक करो, ये बहुत महंगा ट्रक है भाई साहब, लग्जरी ट्रक है हमारे पास के. अब एक यही मेरे पास महंगी गाड़ी जो है ना बची है, लेकिन इसको भी हमें बचा के रखना पड़ेगा भाई. ये ट्रक चेक करो भाई साहब पूरा, और नीचे आना है भाई, आयोड हो जाना. तो आ ही नहीं रहा, नीचे मैं दे दूंगा भाई, आयोड हो जा. पता होगा नीचे भाई, मैं उसको बहुत बार कहा था भाई साइड हो जा. अरे 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 भाई, इधर सिग्नल का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और ये है भी इतना बड़ा ट्रक है कि भाई इसको हैंडल करना मुश्किल है थोड़ा. ऊपर एक क्या से हमें जो है ना लेके चलना, लेके जाना पड़ेगा मैं कितनी घर तक गाड़ी दे के ना, फिर हम लोग जो है ना वापिस अपने जो है ना शॉप पे आएंगे, और फिर पुलिस स्टेशन भी जाना है हमें यार, क्योंकि हमने कंप्लेन दी है. तो पूछना प्रोसेस कहाँ तक पहुंचे, अगर कोई बंदा मिले उन्हें, कोई हाईलाइट हुआ है बंदा कि नहीं. वो अभी हम लोग जो है ना माइकल को देने जाते हैं जल्दी से ये गाड़ी, और फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन. तो इधर हम लोग जो है ना माइकल के घर के बिल्कुल ही करीब आ गए, और इधर भाई सर ट्रैफिक इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली भाई मुझे. मैं बड़े क्या से जो है ना मैं आ रही हूँ माइकल के घर तक, माइकल आई होके घर ही होगा, उसको जो है ना उसकी गाड़ी देगी, और साथ में उसको सारा बताऊंगा कि भाई मेरे साथ लास्ट नाइट क्या हुआ है, इसने मेरे जो है ना पैसे वगैरह लूट लिए.
वो ट्रक को जो है ना फिलहाल के लिए मैं पार्क कर देता हूँ भाई साहब, इस तरह करता हूँ कि यानी तरफ पार्क वाली जगह भी नहीं है, गाड़ियों ने भी किधर है, वो तीन पार्ट ऐसे है कि भाई मैं ना इस तरह करता हूँ सामने कहीं खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि रोड तो नहीं ब्लॉक करना। अब जा रहे थे वो माइकल भी नजर आ रहा है मुझे, माइकल लगता है वेट कर रहा है मेरा, इन भी काफी ज्यादा हो गई यार, उसको मैंने सुबह का टाइम दिया था। तो इधर हम लोग को एक देख लेते हैं जगह जहाँ हम लोग ट्रक पर जो है ना हम लोग पार्क कर सके। तो मेरे ख्याल से यार ये जगह जो है ना थोड़ी सी है, हम लोग इधर इसको ट्रक को जो है ना इधर पार्क कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अरे 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 खंबा गया, अरे मेरा ट्रक तो भी देख करो, उसको भी देखती है थोड़ी क्रैश भी आ रहा। चलो भाई कोई बात नहीं यार, फिर ये बड़ी गाड़ी इस तरह चलती है सिटी के अंदर, बड़ा भाई साहब और खंबा बची है, नहीं तो मुझे फाइन पड़ जाना था इसका। चलो मैं माइकल को जाके पहले तो मिलता हूँ और उसको बताता हूँ भाई तुम्हारी गाड़ी जो है ना आ गई है, तो फिर वो जो है ना अपनी गाड़ी ले ले और मैं जो है ना फिर चलता हूँ पुलिस स्टेशन जाके जो है ना पुलिस वालों से अपने तलाश करता हूँ कि भाई कहाँ तक पूछे काम मेरा। हाँ माइकल क्या हाल है? मैं ठीक भाई, तू सुना। मैं भी ठीक हूँ यार, बस थोड़ा सा रात को ना मसला हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मसला हो गया। क्या हुआ यार, खैरियत तो है? हाँ यार माइकल, बस रात को ना मुझे डाकू पड़ गए और मेरे सारे पैसे वो लेके चले गए यार। अरे भाई, 3 के 3 मिलियन ले गए हैं? हाँ यार मतलब वो मुझे गन पॉइंट पे, वो है तो खेले ही बंदा था मुझे, लेकिन गन पॉइंट पे लेके चले गए यार। अरे यार नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया भाई। मुझे लग रहा है कि यार वो याद करो कि जब मैं और तुम डील कर रहे थे तो जो है ना शीशे के बाहर से एक बंदा हमें जो है ना देख रहा था। वो तो नहीं कहीं, मतलब उसने तो ना कहीं तुम्हें जो है ना लूट लिया हो? यार मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हम दोनों के अलावा तो किसी को बताने था कि यार मेरे पास पैसे हैं। लेकिन साहब मैं, मुझे शक है कि यार पैसे जो है ना उसने लूटे, क्योंकि वो काफी देर से जो है ना उधर चुपके से हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन हमने इग्नोर किया उसको कि यार कोई नहीं, वो शॉप के बाहर है, उसको कौन सी आवाज जा रही होगी। लेकिन इतना याद रखो साइमन कि जब भी कोई बंदा मतलब डील शील के लिए आता है तो इस तरह अगर कोई बंदा बाहर देख रहा होता है तो उसको पक्का यकीन होता है कि भाई इसने आज इसको पैसे शैसे देने हैं, तो वो फिर पीछा करने लग पड़ते हैं कि भाई इसको जो है ना लूट लें हम लोगों ने। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि उस बंदे ने तुम्हें जो है ना लूटा, तो तुम जो है ना अपने सीसीटीवी कैमराज देखो, उसमें वो बंदे को जो है ना निकालो और उसमें जो है ना उससे पूछताछ करो कि भाई तुम्हारे पास तो नहीं पैसा वगैरह, ये वो पुलिस की जो है ना रेड करवाओ उसके घर में। हाँ माइकल मैं जो है ना जाता हूँ और उसे मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर सारी डिटेल वगैरह बताता हूँ कि इस तरह बंदा हमारी कान के बाहर भी खड़ा था, एक जो हमें काफी देर से देख रहा था। अच्छा मुझे ये तो बताओ गाड़ियाँ वगैरह किधर हैं? यार गाड़ियाँ तो जो है ना मैं उधर पार्क करके आया हूँ बाहर वाली साइड पे, उस साइड पे जो है ना पार्क करके आया हूँ, क्योंकि इधर जो है ना काफी ज्यादा गाड़ियाँ गुजर रही है तो रोड भी ब्लॉक नहीं कर सकता, तो उधर जाना और उधर से जो है ना अपनी गाड़ियाँ ले लेना, मैं उधर जो है ना पार्क कर दूंगा, तो उधर से अपनी गाड़ी लेके ना अंदर इधर ले आना पार्क कर लेना। आ जाओ माइकल मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मैं ट्रक जो ना काफी गलती जगह पार्क कर दिया वैसे तो, लेकिन और कोई जगह तुम्हारे घर के पास है नहीं ठीक, इतना बड़ा ट्रक जो है ना वो इधर मैं पार्क कर सकूँ? अब देखो ना इधर पार कितनी ज्यादा जो है ना ट्रैफिक चल रही है, मैं इधर कैसे पार्क करता भाई, इतना मतलब जगह भी नहीं है इधर कहीं पार्क करने की, और तुम्हारे घर के अंदर भी उसने आना नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर भी इतनी जगह रहती कि तुम्हारे घर के अंदर आ सके। तो आओ जल्दी से, वो सामने ही पार्क किया हुआ है, जल्दी आओ पार्क के इधर, डूब ना ले भाई उधर से ट्रक नुकसान न पहुंचा दे, जल्दी आओ भाग के। अरे माइकल तुम मुझसे भी ज्यादा सुस्त हो यार, जल्दी आओ ना, भाग के आओ जल्दी आओ। वो रहा सामने ट्रक, उसमें तुम्हारी जो है ना गाड़ी है। अरे साइमन इतना बड़ा ट्रक भाई, ये कहाँ तुमने ला के पार कर दिया यार, इतने बड़े ट्रक में मेरी जो है ना गाड़ियां वगैरह लेके आए हो? साइमन इतना बड़ा ट्रक कहाँ से लिया तुमने यार? यार ये सिर्फ मैंने गाड़ियाँ वगैरह डिलीवर करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जिनको मैं गाड़ियाँ वगैरह देता हूँ या लेता हूँ उनके लिए मैंने ये रखा हुआ है। चलो मैं जो है ना तुम्हारी गाड़ी निकाल सा, तुम इधर वेट करो फिर चेक करना अपनी गाड़ियाँ वगैरह सही है। ये माइकल तुम्हारी रही मस्टैंग और वो तुम्हारी जो है ना GT 63। अरे भाई ध्यान टेंशन तो नहीं पड़ा, बच गई गाड़ियाँ भाई, वो तुम्हारी GT 63 और ये रही तुम्हारी मस्टैंग भाई। अरे भाई टार क्यों गई हो, चलो ये तुम्हारी दोनों गाड़ी है। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जो थोड़ा काम है पुलिस स्टेशन, तो इस वजह से मुझे जाना है यार, मुझे कंप्लेन वगैरह जो है ना देनी है उस बंदे के खिलाफ भी, और मुझे पूछना है कि उन्होंने कोई बंदा वगैरह ढूंढा कि नहीं, किसी पे शक वगैरह किया है उनका कि नहीं। चलो यार सही है माइकल, फिर मैं चलता हूँ, मुझे टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। चलो सही है माइकल मैं चलता हूँ, फिर तुम गाड़ी वगैरह अपनी लेके जो है ना चले जाना, मैं अभी जो है ना इस ट्रक को भी पार्क करना इसकी जगह पे, और फिर जो है ना पुलिस स्टेशन भी जाना है, मिलता हूँ फिर कभी तुम्हें जाना। अरे यार ये ट्रक जो है ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इससे
सिर्फ जो है ना टाउन में इसके लिए जो है ना रोड ही नहीं बनाए गए, बंदा जो है ना इसको लेके जा सके। ये देखो भाई ये अंधा है के धीरे ही आता जा रहा है, पता है कचरा पे जा रहा है भाई, वो अंदर ठुक रहा है। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार, चलो तो मैं तो चलता हूँ भाई अपने, शुक्र है रोड थोड़े खाली हो गए, आराम से जो है ना लेके चलता। अब ये देखो कट गया वैसे आ गया, बोर आ रहा है, बड़े रुक जाना भाई, कार है पता भी है। अरे यार दिन भी खत्म होने वाला है और मेरी गाड़ियां भी भाई साहब इधर आ गए, सुबह का टाइम दिया था लेकिन साइमन जो है ना वो काफी लेट हो गया, और इधर हमारे घर में भी पुलिस आई थी यार। अब वो मेरे बारे में ना साइमन को बता दे कि भाई ये बंदा एक है था फलां के, उसके पास इतनी ज्यादा रकम अचानक से आई है, वो मुझे इस चीज का भी डर है। लेकिन चलो हम लोग निपट लेंगे भाई साहब, पुलिस को भी रिश्वत वगैरह चल जाती है, हम लोग उनसे जो है ना बात शात कर लेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन यार गाड़ियां बहुत मस्त लग रही हैं अपनी, दोनों मस्टैंग और GT63 भाई साहब, बहुत हैवी गाड़ी है यार। चलो तो मॉडिफाई भी करवाएंगे, पहले तो इस गाड़ी को उधर लॉक मैंने कर दिया हुआ है, टैंक को जो है ना लॉक रहने देते हैं अभी, तो इसको घर पहले पार करके आता हूँ यार। थोड़े यार इसके तो बूस्टर बहुत तेज है भाई, ये तो बहुत तेज चलती है यार, थोड़ा सी भी रेस देता हूँ बहुत ज्यादा तेज चलने लगता है। इसको जो है ना अभी मैं घर पार करता हूँ, तो जो है ना मैं अभी फिलहाल के लिए जो है ना अंदर पार कर देता हूँ, ये जरा थोड़ी महंगी गाड़ी है, वो दूसरी को भी जल्दी से लेके आता हूँ यार। दिन का चेक करो यार, फुल ग्रुप होने वाला ही है, मतलब तेरा होने वाला है यार, जल्दी जाके जो है ना गाड़ी शाड़ी लेते हैं। और जाके अभी यार वो ड्रग डीलर्स के साथ भी मिलना था, उनको जो है ना पूछना था कि भाई साहब वो जो माफिया का बंदा वो कहाँ मिलेगा हमें यार। सिटी में उसकी बहुत ज़्यादा गूंज चल रही है कि यार वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है इधर सिटी के अंदर। यार रात होने वाली है और मुझे जाके भी जो है ना माफिया वालों से भी मिलना है, का पता करवाना है, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ पार्टी होती है वहाँ जाऊँगा तो फिर ही पता चलेगा कि यार जो है ना वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि उधर सारे ड्रग डीलर वगैरह जो है ना इकट्ठे होते हैं। यार ऐसा करता हूँ कि ये गाड़ियाँ नहीं उधर लेके जाता, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी गाड़ी हैं, तो कोई लोकल वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई उधर गन फाइट भी हो जाती है तो गाड़ी अगर छोड़ कर भागनी भी पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं भाग जाऊँगा। लेकिन ये गाड़ियाँ अभी तो न्यू परचेज़ की हैं तो नहीं लेके चलता वहाँ। तो अभी ऐसा करता हूँ कि यार पहले जाके तो ड्रेस वेस पहनता हूँ थोड़ा, उनको जो है ना अमीर लगूँ, ऐसे कच्चे बनाने में उनको लगूंगा कि भाई साहब गरीब सा बंदा है। तो ऐसा करता हूँ जल्दी से जाके पहले सूट वूट पहनता हूँ। इधर हम लोगों ने जो है ना बॉस वाली लुक तो ले ली है, अब गाड़ी इस तरह करते हैं कि रेड वाले लेके जाते, थोड़ी थोड़ी भाई साहब शोबाजी भी हो जाए कि हाँ यार ये बंदे के पास पैसा शैसा है। तो जाके जो है ना हम लोग उन ड्रग डीलर से जो है ना बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब वो माफिया के बंदा जो है ना हमें कहाँ मिलेगा। वो भी जल्दी से चलते हैं पार्टी वाली जगह पे और जाके जो है ना उनसे बातचीत करते हैं, और फिर देखते हैं कि वो हमें मिलता भी है कि नहीं। यार मुझे इतना सुनने में आया था कि यार उधर ना डगन डगन का बड़ा नाम लिया जा रहा था, डगन बोस, अब ये पता नहीं उसी का नाम है या किसी और का नाम है, लेकिन जो है ना हम लोग उधर जाके पता करवाते हैं। यार रात का व्यू चेक करो कितना मज़ेदार लग रहा है, और बिल्डिंग के अंदर जो लाइटिंग लगी हुई है यार माल ही लग रही है। तो अभी जो है ना हम लोग जल्दी से चलते हैं पार्टी वाली जगह पे और देखते हैं कि आज भी आते हैं कि नहीं। यार मेरे ख्याल से तो रोज़ आते होंगे, क्योंकि वो जगह ही ऐसी बनाई गई है कि भाई वहाँ जो है ना ये चीज़ों की जो है ना डील शील चलती है, और वो जगह भी ऐसे सुनसान सी है कि सुनसान तो नहीं खैर मतलब आउट ऑफ सिटी है, तो इस वजह से उधर ईजिली ये डील शील वगैरह हो जाती है। और भाई बच की मेरी गाड़ी अभी टुकने लगी थी। इधर यार आप लोग देख सकते हो कि भाई सब कितने लगती लगती गाड़ियों वाले लोग आते हैं यार, ये देखो इधर ना इस तरह का सीन होता है कि सारे मतलब इस तरह के ड्रग डीलिंग वाले होते हैं, वेपन डीलर वाले होते हैं, काफ़ी रश वगैरह होता है, लोग इधर पार्टी वगैरह करते हैं। ये देखो ये भी नशे में लग रहा है मुझे इस टाइम। तो इधर एक और मैंने सुना है कि बालाज गैंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इधर, तो मेरे ख्याल से जो है ना ये लोग मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वो देखो झुंड बना के बातें कर रहे हैं आपस में। तो इस तरह करते कि हम लोग जो है ना इनसे जाके मिलते हैं, पूछते हैं क्या सीन है यार, हमें जो है ना हमें भी कोई अपने बिजनेस में शामिल करो। गाड़ी इधर मैं पार्क करता हूँ, जाके उनसे बातचीत करता हूँ। यार देखो लुक तो आपके भाई की पूरी लग रही है, पूरी लुक लग रही है आपके भाई की, चलो तो अब देखते हैं कि वो हमें कुछ पता बताते हैं कि नहीं। यार हाय एवरीवन, हु आर यू? आई एम माइकल, आई नो यू आर बालास गैंग। क्या काम है तुम्हें? जी यार आप लोगों से एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन इधर बात नहीं मैं कर सकता सबके सामने, आप लोगों को जो है ना मेरे साथ चल के बात करनी पड़ेगी। आप में से कोई एक बंदा भी आ जाए, मुझे जो है ना एक बिजनेस डील करनी है आप लोगों के साथ। कैसे बिजनेस डील करनी है तुम्हें? मेरे साथ चलो कोई बंदा, मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ चलो, हाँ तुम आ जाओ, एक बंदा जो है ना मेरे साथ आ जाए, मैं जो है ना उसके साथ एक पर्सनल में बात करना चाहता हूँ। तो इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ ना, इतने एटीट्यूड में क्यों चल रही हो, इधर आओ, वॉशरूम वाली साइड पे चलते हैं।
तरह, क्योंकि इधर जो है ना बात वगैरह हम लोग इजीली कर लें। क्या कहते हो, इधर आओ जरा, थोड़ा सा अंदर आ जाओ, शोर वगैरह भी हो रहा है तो इस वजह से हम लोग इधर इजीली बात कर लेंगे। अरे यार कितनी स्मेल आ रही है इधर, अंदर आओ ना, डर क्यों रहे हो, नहीं कुछ करता मैं, अंदर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ ना यार, अब क्यों आ रहे, बात तो सुन लो अंदर आके। अच्छा चलो इधर ही सुन लो। अच्छा पहले ये तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैं, क्या क्या बताओ, काम क्या तुम्हें? मैं कल रात जो है ना इधर आया था पार्टी करने के लिए, और तो मैंने जो है ना बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि यार इधर कोई बहुत ही बड़ा माफिया का बंदा है, तो डगन डगन नाम से जो है ना कोई नाम ले रहे थे। अरे डगन, क्या नाम दे रहे हो भाई, खूब खाओ, तुम्हें पता भी है डगन है कौन है? कौन है यार, मतलब क्यों इतना डरते हो उससे? वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है भाई, तुम्हें नहीं पता उसका, उसके पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा वेपन्स है, बहुत ज्यादा उसके पास गाड़ियां वगैरह, मतलब उसके पास, वो एक अमीर बंदा है और वो एक संभालो अपनी इलाका से एक सोसाइटी लेके घूमता है भाई। अच्छा मतलब इतना वो हैवी बंदा है? हाँ इस तरह संभालो भाई। यार मुझे कुछ उसका पता वगैरह बता सकते हो? यार मैं पता नहीं दे सकता भाई, यार बहुत मुश्किल है, मैम डरता हूँ भाई, मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया किसी को उसका पता बताने का, वो अंडरग्राउंड रहता है, उसको पकड़ना या उससे मिलना बहुत मुश्किल है भाई साहब, आज तक उसको पुलिस नहीं पकड़ सकी, तो उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है भाई। अच्छा यार कोई हिंट वगैरह दे दो, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ वो मतलब आता जाता हो, ना कहीं बैठता हो, कहीं से गुजरता हो, कोई ऐसी लोकेशन बता दो यार। हाँ मैं इतना तुम्हें बता सकता हूँ कि यार वो ना पुल वाली जगह, एक मैं बताता हूँ तुम्हें, रास दे दूंगा तुम्हें मैं, तो वहाँ से वो गुजरता जरूर है, अपने प्रोटोकॉल के साथ गुजरता भाई। अच्छा चलो सही है, फिर मुझे जो है ना उसका लोकेशन दे दो। इधर हमारी जो है ना मैक से बात हो गई है, तो हम लोग जो है ना, अरे मेरी गाड़ी गाड़ी चोरी होगी भाई, ये देख लो कितना डेंजरस एरिया के भाई, इधर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई है यार। अरे यार मैं ओपन गाड़ी ले गया था, उसको लॉक लगाने का भी कोई फायदा नहीं था यार, किसी ने उसको डायरेक्ट करके जो है ना ले गए इधर से उठा के, अब क्या करें यार, रात भी हो गई है, अब रात फिर हम लोग इधर ही पार्टी कर ले दोबारा से। ऐसा करते हैं पहले तो ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोई टैक्सी वगैरह करा लेते हैं घर तक के लिए यार, घर से गाड़ी लेके हमें जो है ना उस लोकेशन तक पहुंचना है, हमें डगन बोस को देखना है, उस पर नज़र रखनी है यार, उस बंदे को जो है ना हमें पकड़ना है, उसके पास कितना का पैसा है ये देखना, सारा कुछ वेपन वगैरह देखने हैं उसके साथ। तो पहले तो हम लोग जो है ना बिजनेस डील करेंगे भाई साहब, उसके साथ शेयर्स बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई साहब डायरेक्टली जो है ना उसको हम लोग मारेंगे, क्योंकि किसी को भी मारने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, और आपको पता है कि जो मारने वाले होते हैं वो अपने ही होते हैं, तो इस वजह से हमें जो है ना उसकी नज़रों में पहले खुद को जो है ना एक ईमानदार बनाना पड़ेगा उसके लिए, पहले तो उससे मिल लें यार, वो हमें अपनी गैंग में ऐड भी करता है कि नहीं, हमें जो है ना शेयर भी देता है अपने बिजनेस के अंदर के नहीं, तो अभी इधर से हम लोग ड्रिंक करते हैं और साथ में जो है ना टैक्सी को कॉल कर देते हैं कि टैक्सी आ जाए इधर, और टैक्सी को मैं उतनी देर तक जो है ना कॉल कर देता हूँ, कैब को जो कॉल कर देता हूँ, इधर तक आ जाएगी। Yeah, hey, I need a cab. I'm really sorry. I don't have any free cars right now. अरे यार मतलब कैब भी ख़त्म हो गई है यार, अब सुबह सुबह जो है ना हमें कैब मंगवानी पड़ेगी, या इस तरह करेंगे किसी से रास्ते में जो है ना लिफ्ट ले लेंगे यार, ये हमें तो इधर से जो है ना ये कॉफ़ी के डब्बे में उन्होंने डाल के दिए, कहते कि भाई इधर इलीगल है, इस तरह जो है ना डायरेक्टली देना, तो उन्होंने हमें कॉफ़ी के डब्बे में डाल के दे दिया। और यार इधर व्यू चेक करो यार, इधर मच्छर भी कितना ज़्यादा है यार, ये देखो लाइट के नीचे कितना ज़्यादा मच्छर उड़ रहा है, और इधर डस्ट वगैरह भी देखो, कोई सफाई नहीं करने आता यार, ये एरिया इतना गंदा है, इधर एक तो डीलिंग भी इस तरह की होती है, और इधर बंदे भी इतने गंदे रहते हैं कि भाई साहब इधर देखो डस्ट वगैरह कूड़ा शूड़ा इतना गिर रहा है, इधर इतना ज़्यादा कूड़ा है कि भाई कोई उठाने भी नहीं आता है। चलो यार कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, इधर से चलते हैं जल्दी से, इधर हमारी कॉफ़ी जो है ना ख़त्म हो गई है, तो हम लोग जो है ना कोई कैब शैब जो है ना ढूंढते, कैब तो मिली नहीं है, शायद कोई जाते जाते मिल जाए हमें रास्ते में, तो इधर चेक करो यार कितना मज़े का नज़ारा है यार, ये चेक करो लाइटिंग वगैरह कितनी ज़्यादा। अरे भाई यार बहुत मुश्किल से जो है ना घर तक पहुँचा हूँ, अब ये वाली गाड़ी लेके चलता हूँ यार, ये मेरी सबसे पहली गाड़ी है इस पे हमने लोग जो है ना पहला दिन सिटी के अंदर स्टार्ट किया था, तो अभी हमें जो है ना जल्दी से जाके जो है ना पुल के ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी, और देखना कि डगन बोस जो है ना किस किस टाइम जो है ना इधर से गुजरता है, और यार सामने घर में तो आग लगी हुई है, फायर एक्सटेंशन कहाँ है भाई? तो यार हमें जो है ना जो लोकेशन बताई गई थी डगन बोस के गुजरने की, तो वो ये वाला पुल जो है ना बताया गया था, अरे भाई साइड पर हो जाना, तो हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग इधर साइड पर गाड़ी लगा लेते हैं, और इधर जो है ना हम लोग इस तरह शो करवाते हैं कि हमारी गाड़ी जो है ना ख़राब हो गई, तो हम लोग इधर जो है ना इस तरह नाटक करेंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब हम लोग जो है ना नज़र रख रहे हैं किसी के ऊपर, इस तरह करते हैं हम लोग जो है ना डिक्की खोल के इधर बैठ जाते हैं, और किसी को लगेगा शायद इसकी गाड़ी जो है ना ख़राब हो गई है,
देखते हैं कि कब तक जो है ना टगन बोल इधर से गुजरता है। अरे यार मुझे लगता है यही है डगन बोस भाई साहब। चेक करो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी लेके गया है अभी। अरे यार बम्पर तो बंद कर लो यार, क्या कर रहे हो माइकल। बोलो तो यार हमारा प्लान तो कामयाब हो गया भाई, डगन बोस भी इधर से चले गया। तो जो भाई अभी तक यार वीडियो को देख रहे तो काइंडली यार लाइक कर देना और वीडियो को जो है ना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हर तरह की वीडियो आप तक पहुंच जाए। यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आपका क्या जाना है भाई साहब, एक सिंगल जो है ना क्लिक करना और लाइक का बटन जो है ना प्रेस हो जाना और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज़।